क्या हाल चाल है आपके? आज हम तवा पुलाव बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम चावल उबाल लेंगे। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और उसमें 4 कप पानी डाल दिया। पानी आप ज़्यादा ही रखना ताकि चावल एकदम खुले खुले बने। पानी के बॉईल होने के बाद उसमें नमक डाल देंगे और उसे एक बार मिक्स कर लेंगे। उसके बाद उसमें 1 कप धुले हुए चावल डाल देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बासमती राइस यूज़ करो, आप लॉन्ग ग्रेन राइस यूज़ कर सकते हो, कोई भी। एक बार आप चावल को मिक्स कर लेना। उसके बाद आप चावल को 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर छोड़ देना और उसके बाद मीडियम फ्लेम पर कर देना। उससे क्या होगा कि चावल की साइज़ बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। चावल को आपको सिर्फ 80% कुक होने तक ही पकाना है और फिर उसके बाद आप उसे छान लेना। उसके बाद हम तवा पुलाव का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाएंगे, गार्लिक चटनी। इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसे बनाने के लिए हम 5-7 सूखी हुई साबुत लाल मिर्च ले लेंगे। आप कोई भी लाल मिर्च ले सकते हो, बस ध्यान ये रखना कि वो ज़्यादा तीखी नहीं हो, और अगर वो ज़्यादा तीखी है तो उसके सीड्स निकाल देना। उसमें 10-12 लहसुन की कलियाँ भी डाल देंगे, नमक और 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे, और इसमें आप पानी भी डाल देना। पानी थोड़ा ज़्यादा डालना क्योंकि हमने मिर्चियों को ना भिगोया नहीं था। और उसे ग्राइंड कर लेंगे एकदम फाइन पेस्ट में। उसके बाद हम तवा पुलाव के लिए मसाला बना लेंगे। हम 2 बड़े चम्मच तेल को गरम कर लेंगे। उसके बाद उसमें 2 स्लाइस्ड प्याज और 1 कैप्सिकम डाल देंगे और इनको मिक्स करके 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। उसके बाद इसमें 2 फाइनली चॉप्ड टमाटर, 3 फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज और 1 कप कैबेज डाल देंगे जो जूलियंस में कटी हुई है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। उसके बाद उसमें गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। इसको बनाने के लिए मैंने 8-9 लहसुन की कलियाँ ले ली थी, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसे ग्राइंड कर लिया था। उसी के साथ साथ जो हमने गार्लिक चटनी बनाई थी ना, वो डाल देंगे 5 चम्मच। इन सब चीज़ों को मिक्स करके 3 मिनट तक कुक कर लेंगे और फिर उसमें नमक, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1.5 टीस्पून पाव भाजी मसाला डाल देंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स करके 5 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर इस मसाले में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर पानी को बॉईल होने देंगे। उसके बाद हमने जो चावल बॉईल करे थे ना, वो डाल देंगे। इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और ये हो गए आपके तवा पुलाव एकदम रेडी। और मैं अब आपको इसे खा के भी बताता हूँ। इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है गार्लिक चटनी और अनियन के साथ। थोड़ी सी गार्लिक चटनी, अनियन और तवा पुलाव को साथ में खाएंगे, मतलब एकदम ही मज़ा आ जाएगा। ये इतने बढ़िया बने थे यार, एक बार ट्राई तो करना ज़रूर बनता है इनको। एकदम स्ट्रीट स्टाइल बने थे यार, मज़ा आ गया एकदम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और वो घंटी भी बजा देना। मुझे आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हो और कोई सजेशन हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना। बाय बाय।